आज की कविता में आज हम बात करेंगे मंजुला बिष्ट की कविताओं की। तो पहली कविता का शीर्षक है यथोचित बहन। साथिन ने बताए थे कुछ एक किस्से कि स्कूल कॉलेज के दिनों में कैसे वो भाई की प्रेमिकाओं तक छिटपुट पुर्चियां पहुंचाती रही थी। वो अब भी पहचानती है लगभग उन सभी प्रेमिकाओं के नाम पते और राज कुछ उनके मध्य के। ये सब बताते हुए पहले तो लंबी शरारती मुस्कान थिरकी, फिर लगा जैसे गजन उदासी कांधों पर उतर आई है। पूछा तो पल्लू झाड़कर खड़ी हो गई। अब इतनी भी भुलक्कड़ मैं भी नहीं कि याद ना रख सकूं उसकी वो दीनहीन कपकपी जो नैतिक शास्त्र की किताब के बीच मिले खुशबूदार गुलाबी खत से छूटी थी, जिसे सिर्फ एक बार ही देखा था, आधा अधूरा पढ़ भी लिया था शायद, फिर तिरोहित किया। ऐसा उसकी एक साथिन ने फुसफुसाया था। ऐसे अवसरों पर उसे भाई याद आ जाता था। तो अगर गलत नहीं तो पूरी दुनिया से लड़ लूंगा। उस गर्वोक्ति को मानी मन दोहराते हुए उसने हर बार प्रेम को बहुत गलत समझा और दुनिया को प्रेम युद्ध की मुफीद जगह। लेकिन भाई की प्रेमिकाओं के पते बदस्तूर याद रहे। अगली कविता का शीर्षक है मंजुला बिष्ट जी की, उसका नाम है हमारे मध्य। मैं तुम्हारे व्यस्ततम क्षणों में अनायास एकत्रित हुई वो बूंद हूं साथी। जो आशंकित पाद से गिरकर विलीन हुई थी तुम्हारे सुदृढ़ अंतस में कहीं। मैं एक सिद्धहस्त चोरनी हूं जो गठरी में चुपके से साथ हो लेती हूं तुम्हारी कठिनतम भागती हुई यात्राओं में। मैं तुम्हें सुन लेती हूं नेटवर्क के उलझते तिलिस्म में भी, जैसे ओस से भीगी घास में पग धरते ही ओस की आवाज सुनाई देने लगती है। मैं घूट घूट पीती हूं तुम्हारे सुकून को जब सौंपते हो हर माह घर खर्च और अतिरिक्त व्यय भी। मित्रों से दसियों बार कह दूं कि तुम प्रेम जताने में निपट गूंगे हो, लेकिन भीड़ से जब गुजरती हूं तुम्हारे मौन प्रेमिल गीत स्पष्ट सुनाई देते हैं बेसुरे गुंजित होने के बावजूद। किसी अल सुबह जब रोक लेती हूं सूर्य के अदृश्य वस्त्रों को तुम्हारे मुख पर गिरने से, उस क्षण तुम्हारे मुख पर वो परम शांति पसरी हुई होती है जो दिन भर डांग मांट लेने के बाद डाकिये के हिस्से में आती है। हमारे मध्य प्रेम के आगत विगत की राहों पर अधिकार मांगते और कर्तव्य लौटाते हाथ लूटता है। ये दोनों कविताएं मंजुला बिष्ट जी की थीं जो हमने खिल गया जवा कुसुम नाम के इस कविता संग्रह से ली, जिसका चयन संकलन संपादन सुमन सिंह ने किया और इसे सर्वभाषा ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है। आज के लिए इतना ही।